नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 27 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अगले 24 घंटे के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट। प्रत्येक बूथ पर रहेगी 4 ईवीएम और 2 बैलेट बॉक्स। बिहार के छात्रों को मिलेगी बिना शर्त प्रोत्साहन राशि। बिहार में जल्द ही होगी 7000 आयुष डॉक्टरों की बहाली। सितंबर के अंत तक भारत को मिल सकती है एक और वैक्सीन। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय वायुसेना में LDC और MTS समेत कई पदों पर भर्तियां। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी के तहत विभिन्न रिक्तियों को भरने के लिए योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती ग्रुप सी सिविलियन IAF ग्रुप सी भर्ती से लोअर डिवीजन क्लर्क LDC स्टेनोग्राफर MTS HKS आया वार्ड सहायिका धोबी और मेस स्टाफ आदि के पदों के लिए है। योग्य अभ्यर्थी संबंधित यूनिट को मार्क करते हुए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं 12वीं पास अभ्यर्थी संबंधित पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.indianairforce.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन 2 विधेयक हुए पेश। 5 दिनों तक होने वाले मानसून सत्र की शुरुआत बीते दिन से हो गई है। हालांकि मानसून सत्र का पहला दिन काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। वहीं 10 मिनट के बाद ही सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार पहले दिन 2 राजकीय विधेयक पेश किए गए। इसके बाद दिवंगत आत्माओं का शोक प्रकाश हुआ। कोरोना में जान गंवाने वाले डॉक्टर और अन्य को श्रद्धांजलि दी गई। पूरा सदन 1 मिनट तक मौन रखकर सभी जान गंवाने वाले आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पहले दिन की कार्रवाई स्थगित दी गई। इतना ही नहीं, इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के विधायकों को सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की थी। वहीं इस दौरान विपक्षी दल के नेता हेलमेट पहनकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आए थे। बिहार में अगले 24 घंटे के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट। बढ़ती गर्मी के बीच बिहार वासियों को जल्द ही बारिश की बूंद का एहसास होने वाला है, क्योंकि बिहार में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में अगले 24 घंटे के बीच मॉनसून की सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, जिसके कारण बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही उत्तरी हिस्सों के साथ ही दक्षिण भाग के मध्य में कहीं कहीं भारी बारिश, मेघ गर्जन के आसार भी जताए गए हैं। इतना ही नहीं, बिहार के कई हिस्सों में 29 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पश्चिमी पूर्वी चंपारण, उत्तर पश्चिम बिहार, उत्तर पूर्व बिहार, दक्षिण पश्चिम बिहार, दक्षिण मध्य बिहार, दक्षिण पूर्व बिहार आदि जगहों पर रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है। इन जगहों पर भारी बारिश और मेघ गर्जन और वज्रपात के आसार जताए गए हैं। बिहार में जल्द ही होगी 7000 आयुष डॉक्टरों की बहाली। बिहार में जल्द ही 7000 आयुष डॉक्टरों की बहाली होने वाली है। इसके लिए तकनीक सेवा आयोग जल्द ही वैकेंसी निकालने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार के बेगूसराय, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में 3 से 4 साल में 3 नए आयुर्वेदिक कॉलेज बनेंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही अपनी सहमति दे दी है, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति का इंतजार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हरी झंडी मिलते ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही बिहार के जंगलों में किस प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं, उनका सर्वे कराकर उनके दोहन की योजना बनाने के साथ बढ़ावा दिया जाएगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे समर कादरी की। समर कादरी का जन्म आज ही के दिन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। समर कादरी एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो बिहार के लिए खेलते हैं। उन्होंने 2009-10 में रणजी ट्रॉफी में 17 नवंबर 2009 को असम के खिलाफ झारखंड के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया। उन्होंने 2013-14 विजय हजारी ट्रॉफी में झारखंड के लिए 3 मार्च 2014 को अपनी लिस्ट ए की शुरुआत की थी। वहीं अगर हम समर कादरी के मैच करियर की बात करें तो फर्स्ट क्लास में उन्होंने कुल मिलाकर 35 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 177 रन बनाए। वहीं लिस्ट ए में उन्होंने कुल मिलाकर 10 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 9 रन बनाए। वहीं T20 में 4 मैच में वो महज 2 रन बनाने में ही कामयाब हो पाए थे। पोस्टमार्टम में हो रही लापरवाही पर SSP और SP को पत्र तलब। बिहार में अलग अलग जिलों में पोस्टमार्टम को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी। इस बाबत DGP SK सिंघल ने भागलपुर समेत सभी जिलों के SP SSP को पत्र जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए सिपाही या हवलदार को भेजने का निर्देश दिया। इस बाबत उन्होंने लिखा कि चौकीदार और होमगार्ड को भी अगर भेजा जा रहा है तो उसके साथ एक सिपाही या हवलदार को भेजना अनिवार्य है। इसके लिए उनके नाम से कॉमन पत्र जारी किया जाएगा। इसके साथ ही शवों के भेजने की तारीख और घंटे का भी उल्लेख करना होगा। उनका कहना है कि जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के नहीं होने से पोस्टमार्टम में कई तरह की परेशानियां सामने आती है। प्रत्येक बूथ
पर होगी 4 ईवीएम और 2 बैलेट बॉक्स। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंचायत प्रतिनिधियों के 6 पदों के लिए चुनाव का आयोजन होने वाला है, जिसमें से 4 पद का चुनाव ईवीएम के माध्यम से होने वाला है, वहीं 2 पद का चुनाव मतपत्र के माध्यम से होने वाला है। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आयोग के उप सचिव दिनेश कुमार ने इसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी को आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4 बैलेट और 4 कंट्रोल यूनिट लगाए जाएंगे। वहीं ग्राम कचहरी सरपंच और कचहरी पंच का मतदान मतपत्र के माध्यम से होगा। इसको लेकर 2 मतपेटियां यानी कि बैलेट बॉक्स भी लगाई जाएंगी। मुकेश सहनी को वाराणसी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देने पर संजय जायसवाल ने दिया बयान। रविवार को वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी को वाराणसी एयरपोर्ट पर रोके जाने पर अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में यह कानून पिछले 8 वर्षों से है कि यूपी में किसी भी महानुभाव की मूर्ति नहीं लगेगी, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट से अपील भी की है कि इस कानून को हटाया जाए, लेकिन इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने अब तक कोई निर्णय नहीं सुनाया है। वहीं विधानमंडल की बैठक में सहनी के नहीं शामिल होने की वजह से उन्होंने इसे व्यक्तिगत कारण बताया है। पीठासीन पदाधिकारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया बयान। पंचायत चुनाव की तैयारियां बिहार में शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पंचायत चुनाव को सितंबर अक्टूबर महीने में करवाए जाने की योजना फिलहाल सरकार की है। इतना ही नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव आयोजन को लेकर भी युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। इसी क्रम में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पीठासीन पदाधिकारियों को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत आयोग ने साफ किया कि किसी भी परिस्थिति में वर्ग 4 के कर्मी को पीठासीन पदाधिकारी नहीं बनाया जाएगा। वहीं कार्मिक को अपने गृह और कर्तव्य स्थल से संबंधित प्रखंड के निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को चुनाव कार्य में नहीं लगाना है। किसी भी मतदान दल में एक ही सीरियल समूह को 2 अधिकारी नहीं होंगे। इसके साथ ही मतदान दल के 2 कर्मी एक ही विभाग के नहीं होंगे। बिहार के इस जिले के मॉल में मिल रहा है महीने भर का मुफ्त राशन। कोरोना के कारण कई बिहार वासियों के सामने खाने तक की समस्या उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में सरकार की तरफ से ऐसे लोगों के लिए मदद का हाथ समय समय पर बढ़ाया गया है। इसी कड़ी में अब बिहार के बोधगया जिले में गरीबों के लिए एक और खास पहल की गई है, जिसके तहत गरीब तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए बोधगया के रति विघा गांव में मुफ्त में एक मॉल खोला गया है, जहां पर बोधगया के सामाजिक संस्थान जन अमिताभ वेलफेयर संस्थान की पहल से लोगों को एक महीने के उनके जरूरत हिसाब से मुफ्त अनाज मिल रहा है। वहीं इस बाबत अमिताभ वेलफेयर के निदेशक आनंद विक्रम ने अपना बयान जारी करते हुए बताया है कि आप अपने जरूरत के हिसाब से राशन यहां से ले सकते हैं। इनमें एक शर्त यह है कि उनको कम से कम एक डोज कोविड-19 वैक्सीन लगाकर आना होगा। जो वैक्सीन लगाकर आते हैं उनका पंजीकरण कर उनको मॉल में भेज दिया जाता है, उसके बाद वो खुद ही अपने जरूरत के हिसाब से सामान लेते हैं। बिहार के छात्रों को मिलेगी बिना शर्त प्रोत्साहन राशि। बिहार में प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक संस्कृत और अल्पसंख्यक अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए अहम सूचना। शिक्षा विभाग ने पहली से 12वीं कक्षा के तकरीबन 2 करोड़ विद्यार्थियों को 75% हाजिरी की अनिवार्यता की शर्त हटाकर छात्रवृत्ति, पोशाक, प्रोत्साहन एवं साइकिल समेत अन्य योजनाओं की राशि देने का फैसला किया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को विभाग की तरफ से मंजूरी मिल गई है। हालांकि अभी इस पर वित्त विभाग से सहमति ली जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना के कारण जो विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र बुरी तरह प्रभावित रहा था, बावजूद इसके राज्य सरकार ने नामांकित सभी बच्चों को विभिन्न लाभुक योजनाओं की राशि बिना शर्त देने का फैसला लिया था। सम्राट चौधरी के भाजपा के अकेले चुनाव जीतने के बयान पर संजय सिंह ने ली चुटके। विपक्षी दलों की तरफ से एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं होने की बात अब सच लगने लगी है, क्योंकि आए दिन भाजपा और जदयू एक दूसरे से किसी न किसी मुद्दे को लेकर जरूर ही भिड़ते नजर आते हैं। इसी कड़ी में मंत्री सम्राट चौधरी के भाजपा के अकेले चुनाव लड़ने और जीतने के बाद पर अब जदयू एमएलसी संजय सिंह ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि साल 2015 में भी भाजपा अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरी थी। सबको पता है कि उनकी क्या स्थिति थी, सब लोग जानते हैं कि उसका रिजल्ट क्या निकला था। बिहार सरकार के मंत्री को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। हर पार्टी को अपने बारे में सोचने की जरूरत है। सितंबर के अंत तक भारत को मिल सकती है एक और वैक्सीन। कोरोना की इस लड़ाई में भारत को एक और बड़ा हथियार मिलने वाला है, जिसके तहत हैदराबाद स्थित फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई इस साल के सितंबर के अंत तक अपनी कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को लॉन्च कर सकती है। मिली जानकारी के अनुसार यह आरबीडी प्रोटीन सब्स्टिट्यूट वैक्सीन है, जिसके तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल का काम अभी जारी है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो पहले और दूसरे चरण में इस वैक्सीन को लेकर बेहतर नतीजे सामने आए हैं। वहीं इस वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बायोलॉजिकल ई कोविड वैक्सीन कैंडिडेट को भारत सरकार ने शुरू से ही सपोर्ट किया है और अब तक कर रही है।
बिहार पुलिस संविदा चालकों ने स्थायी नियुक्ति को लेकर किया प्रदर्शन। 200 से अधिक संख्या में आए बिहार पुलिस संविदा चालकों ने बीते दिन काला पट्टी बांधकर गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन किया, जिसके तहत संविदा चालकों ने सदन से लेकर सड़क तक अपना विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञात हो इन चालकों का कार्यकाल अवधि 31 जुलाई तक ही है। ऐसे में इन चालकों की मांग है कि इनकी स्थायी नियुक्ति की जाए। संविदा कर्मियों का कहना है कि हम लोगों की बहाली साल 2011 में हुई थी और तमाम नियमों को बहाली में शामिल किया गया था। इतने सालों तक विभाग के लिए काम करने के बाद विभाग अब हमें बाहर का रास्ता दिखा रहा है, इसलिए हमारी मांग है कि हमारी नौकरी को स्थायी किया जाए। मुख्यमंत्री से एनडीए विधायकों ने की शिकायत। बीते दिन सेंट्रल हॉल में आयोजित एनडीए विधायक दल की बैठक में कई विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधे शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके तहत इन विधायकों ने साफ कहा कि हम लोगों की बात या सिफारिश नहीं सुनी जा रही है। हम लोग जो भी सिफारिश करते हैं मंत्री उसको नहीं सुनते हैं। हम लोगों ने अंचलाधिकारियों की पदस्थापना को लेकर भी मंत्री जी से सिफारिश करने का काम किया था, लेकिन हमारी सिफारिश को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने नहीं माना। ऐसे में हम लोग कहां जाएं, आप ही बताइए। हालांकि इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधिकारी के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अगर विधायक सिफारिश करते हैं तो उनकी सिफारिश पर विचार किया जाए। अपने ही बयान से पलटे मुकेश सहनी। वाईपी प्रमुख बीते कुछ दिनों से भाजपा से नाराज नजर आ रहे हैं, जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि शायद सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। बीते दिन आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्टा मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार एनडीए में जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। बिहार में चार पार्टी की सरकार है, लेकिन नाम दो ही पार्टी के लिए जारी है। ऐसे में एनडीए की बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ठीक ढंग से काम कर रही है। वहीं इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने कहा कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी कौन मारता है। इसके साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बिहार में नहीं घुसने की चेतावनी भी दी है। बिहार में कोविड-19 के मिले 50 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 59 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 467 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो औरंगाबाद में 2, बांका में 1, भोजपुर में 2, दरभंगा में 1, ईस्ट चंपारण में 3, जमुई में 1, कटिहार में 2, खगड़िया में 1, किशनगंज में 6, मधेपुरा में 2, मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 1, पटना में 10, पूर्णिया में 3, रोहतास में 2, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 1, सीतामढ़ी में 13, सिवान में 1, वेस्ट चंपारण में 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अररिया, अरवल, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, नवादा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सुपौल, वैशाली में एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं एक ऐसा मामला सामने आया है जो दूसरे राज्य का है, लेकिन इनके सैंपल बिहार में कलेक्ट किए गए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 121,289 सैंपल की जांच की गई। वहीं 93 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। प्रिंस राज ने चिराग को दी दो टूक नसीहत। दो गुटों में बटी लोजपा अपने अपने स्तर से पार्टी को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में जहां एक तरफ चिराग इन दिनों आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं, वहीं अब प्रिंस राज भी पार्टी को मजबूत बनाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में पारस गुट से लोजपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए प्रिंस राज अपने संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान को दो टूक नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि चिराग को खुद मंथन करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, और जब वो मंथन करेंगे तो उन्हें खुद जवाब मिल जाएगा कि ऐसा हुआ क्यों। उन्होंने विधानसभा चुनाव में जदयू से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला चिराग पासवान का ही था। उनका यह फैसला दल के लोगों को उचित नहीं लगा। उस समय किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, हम किसके साथ और किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा में प्रस्ताव नहीं पेश करने देने पर भड़के तेजस्वी। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। वहीं बीते दिन विधानसभा के अंदर कई वाक्या देखने को मिले। इन सब के बीच एक और मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके कारण विपक्ष में खासा नाराजगी देखने को मिली। दरअसल बीते दिन सत्र के दौरान सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना प्रस्ताव रखने की मंजूरी मांगी, जिसको सदन में मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष ने अस्वीकार करते हुए अगले दिन पेश करने को कहा, जिसके बाद ही तेजस्वी यादव ने कहा कि आज मैं प्रस्ताव रखने वाला था लेकिन नहीं रखने दिया गया। मंगलवार को हम लोग दो प्रस्ताव रखेंगे। इस बाबत अध्यक्ष ने मौखिक रूप से इजाजत दे दी है। विधानसभा सत्र को लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी ने कसा तंज। बीते दिन से विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है, वहीं सत्र को लेकर टिप्पणी भी आना शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में विधानसभा चुनाव के दौरान अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुकी पुष्पम प्रिया ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि लफाजियां कह कहे जनता के पैसे वाली मेज के घी के लड्डू के साथ नकली नेताओं के नकली वाद विवाद, इसमें उद्योग, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय की नहीं, बिहार के भविष्य की नहीं, बल्कि अपने अपने भविष्य और कॉरिडोर पर चर्चा होगी।
गगनयान का पहला मानव रहित अभियान टला। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने साफ कर दिया है कि गगनयान मिशन के तहत पहला मानव रहित अभियान इस साल दिसंबर में नहीं हो पाएगा। इसरो ने इस बाबत कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते इस महत्वाकांक्षी मिशन की हार्डवेयर सामग्रियों की आपूर्ति में देरी हो गई है, इसलिए पहला मानव रहित अभियान अगले साल के लिए टाल दिया गया है। आपको बता दें कि इसरो अपने मानव अभियान से पहले दो मानव रहित अंतरिक्ष अभियान करने वाला है, ताकि अपने चार अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक भेजना सुनिश्चित किया जा सके। चारों स्वदेशी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाकर पूर्व निर्धारित गतिविधियों को अंजाम देंगे और फिर पृथ्वी पर वापस लौटेंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। इंडियन नेशनल कांग्रेस की शाखा 1889 में ब्रिटिश इंडिया कमेटी को लंदन में दादा भाई नौराजी, विलियम वेडरबर्न, डब्ल्यू एस कैन और विलियम डिग्वी के नेतृत्व में खोला गया था। बाल गंगाधर तिलक 1897 में पहली बार गिरफ्तार किए गए थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लगभग 11 साल में पहली अमेरिकी यात्रा 1982 में आज के दिन हुई थी। भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखिका भारती मुखर्जी का 1940 में जन्म आज के दिन हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन 2015 में आज के दिन हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी माता रामाबाई का निधन भी 1935 में आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। विराट कोहली को बताया लेजेंड। इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और धाकर ऑलराउंडर युवराज सिंह ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है और उन्हें लेजेंड बताया है। उन्होंने विराट की तारीफ करते हुए कहा कि लोग रिटायर होने के बाद लेजेंड बनते हैं, लेकिन विराट तो 30 साल की उम्र में ही महान बन गए हैं। युवराज ने कहा कि कोहली आगे और कई मुकाम हासिल करेंगे। गौरतलब है कि युवराज सिंह विराट की कप्तानी में भी खेल चुके हैं। ऑलराउंडर युवराज सिंह विराट की कप्तानी में जून 2017 में भारत के लिए आखिरी मैच खेलते नजर आए थे। आपको बता दें, वर्तमान में विराट कोहली की गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में की जाती है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह का मानना है कि विराट ने जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा है, तब से वो अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 26 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,430 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,430 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,500 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 104.42 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 95.67 रुपए प्रति लीटर थी। अब अपने मर्जी से ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप कॉल। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर एक नया फीचर रोल कर दिया गया है। इस फीचर के इस्तेमाल से यूजर किसी भी ग्रुप वीडियो या वॉइस कॉल को छूट जाने के बाद ज्वाइन कर सकेंगे। इस अपडेट के जरिए यूजर चाहे तो ग्रुप कॉल को बीच में भी छोड़कर जा सकते हैं और फिर से जुड़ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर कॉल का जारी रहना जरूरी है। व्हाट्सएप ने नया ग्रुप कॉल फीचर सोमवार को रोल किया है, जो कि जल्द ही आपके डिवाइस पर भी आ जाएगा। बता दें कि फिलहाल अगर आप कोई व्हाट्सएप की ग्रुप वीडियो या वॉइस कॉल मिस कर देते हैं तो आप खुद इसमें ज्वाइन नहीं हो सकते। हालांकि कॉल से जुड़ चुके मेंबर्स को नया मेंबर जोड़ने की सुविधा जरूर मिलती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अशोक कुमार, डेविड कुमार, एनके गांधी, धर्मेंद्र कुमार, प्रमोद मुखिया, लकी हब, रविन्द्र कुमार यादव, पांडे सुभाष, दीपेश कुमार, अंशु सिंह, फूल कुमारी, अभय सिंह, प्रेम शंकर साहू, लाल बाबू, बबलू कुमार, राजकिशोर यादव, नीरज कुमार, शांडिल्य। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले में सीरीज पर कब्जा करने में भारतीय टीम सफल हो पाएगी या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।